Hi guys, welcome back to my channel. My name is Upasna and I hope you all are doing great. तो guys, आज मैं दिखाने जा रही हूँ यहाँ Century Homes का पार्क. देखते हैं कि वो वहाँ पर कितना डेवलपमेंट हुआ है. एक्चुअली वो बन रहा था, इट्स ऑल्सो इन कंस्ट्रक्शन जोन. तो अभी हम देखते हैं कि उसमें कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है एंड कितना टाइम लगेगा अभी उसे पूरा होने में. सो सारे बच्चे वहाँ पर खेल पाए और हम सब लोग इवनिंग में वहाँ पर मिल पाए. तो अभी बज रहा है सुबह के 11 एंड यहाँ पर मैं तनिष्का को वॉक के लिए निकली हूँ और साथ में पार्क भी आपको दिखाती जाऊँगी. सो लेट्स गो विद मी. तो एज यू नो दैट कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया कि यहाँ पे सारे होम्स ये बन रहे हैं. तो ये वाले सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं एंड इसी लाइन में हमारा पूरा पीछे होम है. तो बाकी के बन चुके हैं बट ये अभी काफ़ी सारे होम्स बन रहे हैं. एंड सुनने में आया है गाइस कि यहाँ पर पास में बिल्कुल जस्ट इस वाली लैंड के सामने वाली लैंड में कॉस्को आने वाला है. दैट्स रियली अमेजिंग न्यूज़ फॉर अस. और एवरी मार्केट इज़ वेरी नियर बाय अस बट कॉस्को भी अगर पास में आ जाएगा तो और भी मज़ा आ जाएगा एंड ये और भी ज़्यादा पॉश एरिया बन जाएगा. तो देखिए ये सारे यहाँ पर जो होम्स बनते हैं पूरा वुडन वर्क होता है. सारे ये वुड के घर बनते हैं यहाँ पर एंड उसके ऊपर पूरा सीमेंट लगाया हुआ है. यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट अपने इंडिया से. तो चलो अब हम पार्क की ओर आने वाले हैं. जस्ट ये प्यारे से फ्लावर्स खुद ही निकल आते हैं यहाँ पर. ये है सेंचुरी कम्युनिटीज और पार्क बस आने वाला है हमारा. सो गाइज हेयर इज़ द पार्क एंड माई फ्रेंड इज़ टॉकिंग अबाउट कि मतलब पार्क में एक ग्रास लगे है तो वो उस ग्रास की बात कर रही है जो कि आर्टिफिशियल ग्रास आई थिंक अंदर लगाई है इन्होंने. तो चलो चल के देखते हैं आगे. एंड इसी पार्क के अंदर पूरा आपका स्विमिंग पूल वगैरह भी है, सारी चीज़ें इस पार्क के अंदर. ओके दिस वन इज द ग्रास, आई थिंक दिस इज नॉट आर्टिफिशियल ग्रास, या इट्स रियल ग्रास ये लगाई है. दैट्स रियली कूल. तो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी ये पूरा नहीं हुआ है. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्विमिंग पूल तो स्विमिंग पूल है अंदर. तो आप देख रहे हैं कि मतलब दिस इज़ अ बिग एंड वेरी अमेजिंग पार्क. जब ये पूरा रेडी हो जाएगा ना तब ये बहुत अच्छा लगेगा. एंड ये पूरी कम्युनिटी हमारी. तो चलो वापस चलते हैं बिकॉज इट्स गोइंग ऑन एंड धूप भी बहुत ज़्यादा है. बिल्कुल यहाँ पर एकदम चिलचिलाती सी धूप निकली हुई है बिल्कुल. तो इट्स टाइम टू गेट बैक होम. एंड यहाँ पर एक दूसरी कम्युनिटी बन रही है, दैट्स नॉट आर सेंचुरी होम्स कम्युनिटी. सेंचुरी होम्स कम्युनिटी के बिल्कुल बगल में दूसरी कम्युनिटी बन रही है जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. एंड इनके जो मॉडल हाउसेज हैं वो बिल्कुल उस कॉर्नर पर है. अगर आप देखेंगे इंटरनेट पर तो इनके मॉडल हाउसेस अलग हैं. यहाँ पर पहले पूरा फार्म लैंड्स हुआ करते थे, पूरे खेत हुआ करते थे यहाँ पर. देन उन खेत को हटाकर यहाँ पे ये पूरे होम्स बनाए गए. अब इधर भी पूरे होम्स बनाए जा रहे हैं. दीज ऑल आर अमेजिंग. तो गाइज आपने देखा कि होम्स का जो सेंचुरी होम्स का है उसका पार्क भी अभी कंस्ट्रक्शन जोन में और वो बन रहा है. तो इट्स नॉट सेफ टू गो इनसाइड क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड इट्स नॉट सेफ फॉर अस एज वेल एज फॉर आर बेबी. तो हम वेट कर रहे हैं कि और हमने वहाँ पे पूछा था उन लोगों से, देन ही सेज कि एटलीस्ट 1 month उनको अभी पूरा लगेगा इसको पूरा बनने में. देन ठीक है, इट्स रियली कूल क्योंकि 1 महीना पता भी नहीं चलता कि कैसे निकल जाता है.
तो वी आर वेटिंग, फिर हम लोग वहाँ पर पार्क में जाएंगे एंड मैं आपको फिर पूरा पार्क का वीडियो बना के दिखाऊंगी. एंड आई होप यू विल रियली लाइक माई वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो देन गिव अ बिग थम्स अप एंड लगे रहे बिकॉज आई विल मेक मोर एंड मोर वीडियो डेली. बाय बाय, हैव अ गुड डे.